कम बैक गाइस, माइक्रोमैक्स ने नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया गाइस। काफ़ी लंबे इंतजार के बाद माइक्रोमैक्स ने नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया गाइस, माइक्रोमैक्स इन नोट 2 गाइस। आज इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, जानेंगे इसके स्पेक्स, मल्टीपल परफॉर्मेंस के बारे में, सब कुछ डिटेल में गाइस। आपको सिर्फ इतना करना है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सिर्फ बढ़ते गए डिस्प्ले की ओर। इसका जो डिस्प्ले देखो मिलता है 6.43 इंच का फुल एचडी प्लस अमोलेड डिस्प्ले देखो मिलता है। डिस्प्ले की जो क्वालिटी ओवरऑल गुड है गाइस, और इसके अंदर आपको 68 का रिफ्रेश देखो मिलता है। इस प्राइस को देखते हो गाइस, 90Hz का रिफ्रेश नॉर्मल है, इसके अंदर आपको 68 का रिफ्रेश देखो मिलता है। और इसके अंदर ब्राइटनेस की बात को गाइस, 550 ब्राइटनेस के अंदर देखने मिलती है। स्पेक रेशियो की बात करें, 20:9 रेशियो देखने मिलता है गाइस इसके अंदर आपको। और फ्रंट के अंदर आपको गोरिल्ला ग्लास, कॉर्निंग का गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन देखने मिलता है। बढ़ते हैं बैक की ओर गाइस, इसके अंदर जो बैक देखने मिलती है, ग्लास बैक देखने मिलती है, जो कि ठीक है गाइस। लुक्स मुझे बहुत ही ज़्यादा शानदार लगा इसका, बट ये थोड़ा सा जो इसका लुक है गाइस, ये सैमसंग गैलेक्सी एस सीरीज का थोड़ा सा लुक्स कॉपी जैसा लगता है। बट माइक्रोमैक्स कुछ नया हटके कर सकता था गाइस, माइक्रोमैक्स कुछ नया हटके करने के लिए जाना जाता है। बट इस बार माइक्रोमैक्स ने जो कैमरा है थोड़ा सा एस सीरीज के जैसा लगता है गाइस। और इसके अंदर आपको बॉक्स के अंदर आपको गाइस एक अच्छा सा केस देखने मिलता है बॉक्स के अंदर आपको। एंड राइट हैंड साइड के अंदर गाइस आपको पावर अनलॉक और साइड माउंट स्कैनर देखने मिलता है। ऊपर की तरफ गाइस आपको नॉइस कैंसलिंग। और कलर ऑप्शन की बात करें, दो कलर ऑप्शन इसे लॉन्च किया गया, ब्राउन एंड ब्लैक। और इसके अंदर फेस अनलॉक बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। बॉक्स के अंदर गाइस आपको USB A to C केबल देखने मिलती है। 33W का इस बार फास्ट चार्जर देखने मिलता है माइक्रोमैक्स के अंदर, चार्जर बॉक्स के अंदर गाइस आपको। और 5 mAh की बड़ी बैटरी देखने मिलती है, जो 1.5 डे आराम से यूज़ हो सकती है गाइस। फोन है गाइस वो 30W के चार्जर को सपोर्ट करता है, पर बॉक्स के अंदर आपको 33W का एक फास्ट चार्जर मिलता है। बढ़ते कैमरा की ओर गाइस, इसके अंदर आपको जो कैमरा देखने मिलता है, क्वाड कैमरा सेटअप देखने मिलता है। फ्रंट के पीछे की तरफ गाइस आपको 48MP का प्राइमरी, 5MP अल्ट्रा वाइल्ड, यहाँ पे 8MP का अल्ट्रा वाइल्ड हो सकता है, बट अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। बट इसके अंदर आपको 5MP अल्ट्रा वाइल्ड देखने मिलता है, 2MP का माइक्रो और 2MP का डेप्थ कैमरा मिलता है। पीछे LED फ्लैश और नीचे माइक्रोमैक्स की ब्रांडिंग देखने मिलती है इनकी। फ्रंट के अंदर गाइस आपको 60MP सेल्फी कैमरा देखने मिलता है। फ्रंट एंड बैक से गाइस वीडियोस और फोटोज बहुत अच्छी तरीके से शूट किए जा सकते हैं गाइस। जो कैमरा क्वालिटी है ठीक है गाइस, पीछे की तरफ जो फ्रंट का कैमरा है बहुत ही ज़्यादा शानदार देखने मिलता है। जो इसका जो प्रोसेसर देखने मिलता है, मीडियाटेक हेलियो G95 प्रोसेसर देखने मिलता है। और इसे सिंगल वेरिएंट के साथ लॉन्च किया गया गाइस, 4GB रैम के साथ 64GB स्टोरेज के साथ लॉन्च किया गया। जो रैम टाइप है और स्टोरेज टाइप दोनों अच्छा है गाइस इसके अंदर। बढ़ते गाइस की स्टॉक OS की तरफ गाइस, इसके अंदर जो OS देखो मिलता है, स्टॉक एंड्रॉइड देखो मिलता है, क्लीन स्टॉक एंड्रॉइड देखो मिलता है गाइस, कोई पिन स्टॉल ऐप देखो नहीं मिलते, पूरा क्लीन स्टॉक एंड्रॉइड देखो मिलता है, जो कि अच्छा एक प्लस पॉइंट है गाइस यूजर्स के लिए, और जो कि बेस्ड है एंड्रॉइड 11 के साथ गाइस। बढ़ते प्राइस की ओर गाइस, इसकी जो प्राइस रहने वाली गाइस 13,490 रुपीज़ रहने वाली है, बट अभी कुछ स्पेशल ऑफर के साथ गाइस 12,490 रुपीज़ रहने वाली है। इसकी जो फर्स्ट सेल है गाइस 30 जनवरी स्टार्ट होने जा रही है गाइस फ्लिपकार्ट पे। आप मुझे बताइए माइक्रोमैक्स इन नोट 2 आपको कैसा लगा, लुक्स के मामले में, फीचर्स के मामले में, वो प्राइस के मामले, कमर्शियल जरूर बताइए गाइस। इसकी जो कंपटीटर है गाइस वो 5G पे काम कर रहा है, बट माइक्रोमैक्स अभी भी 4G पे काम कर रहा है। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट से जरूर बताइए गाइस। आई होप हमारे वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।